Good morning, students. How are you? I hope you have watched my previous video related to this lesson. आपने मेरा पिछला वीडियो द किंग हू वॉन्टेड टू टच द मून लेसन का फर्स्ट पेज पेज नंबर 25 का वीडियो ज़रूर सुना होगा. उसे आपको स्टोरी में फर्स्ट पेज का इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि जो किंग था वो क्या चाहता था, मून को टच करना चाहता था. तो मून टच करने के लिए किंग ने क्या किया, उसने कारपेंटर को खबर भिजवाई. नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 26. इस वीडियो में मैं पेज नंबर 26 एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें आगे स्टोरी में क्या होता है इस बारे में आपको पता चलेगा. लिसन केयरफुली. द स्लीपी कारपेंटर रब्ड हिज आइज एंड आंसर्ड. तो जब कारपेंटर को इन्फॉर्मेशन मिली, राजा ने समन भिजवाया, तो जो कारपेंटर है वो अपनी आंखें मलता हुआ आया और उसने क्या जवाब दिया, देखिए. इफ वी स्टैक अप एवरी वुडन बॉक्स वी हैव, वी विल बी एबल टू बिल्ड ए टॉल एंड स्टर्डी टावर. कारपेंटर ने जवाब दिया कि हमारे पास जितने भी लकड़ी के बॉक्स हैं, बक्से हैं, उनको अगर हम एक के ऊपर एक सजाएंगे तो हम एक बहुत ही मजबूत टावर बना सकते हैं. हियरिंग दिस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग एवरी वुडन बॉक्स दे कुड फाइंड. पीपल एम्प्टीड देयर बॉक्सेस ऑन द फ्लोर एंड हैंडेड देम ओवर. तो जब राजा ने ये सुना तो उसने अपने जितने भी उसके सिपाही थे सबको ऑर्डर दिया कि जितने भी लकड़ी के बक्से हैं, जिसको जहाँ मिलता है सभी लकड़ी के बक्सों को लेकर आए. तो जो लोग थे जिनके घरों में लकड़ी के बक्से थे, वो भी अपने बक्सों का सामान ज़मीन पर फर्श पर गिराकर, और वो जो बक्से थे वो उन सोल्जर्स को दे दे रहे थे, और वो सोल्जर्स लेकर चले जाते थे उन बक्सों को. वेन द सोल्जर्स अराइव्ड विद द बॉक्सेस द रॉयल कारपेंटर ऑर्डर्ड पाइल देन आई विल नेल देम इन प्लेस. तो जब जो सोल्जर्स थे, सिपाही सैनिक, बक्सों को लेकर आए, तो जो रॉयल कारपेंटर था, राजसी बढ़ाई, उसने ऑर्डर दिया कि इन बक्सों को एक के ऊपर एक रखिए और मैं इसमें फिर नेल जो है वो कांटी लगा के इसको मजबूत कर दूँगा. दैट्स नॉट हाई एनफ द किंग कंप्लेंड एज ही सॉ द ग्रोइंग पाइल. तो जब राजा ने देखा कि वो बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो राजा बोला कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, वी नीड मोर बॉक्सेस, हमें और भी बॉक्सेस चाहिए. चॉप डाउन एवरी ट्री इन द किंगडम एंड मेक एज मेनी बिग बॉक्सेस एज यू कैन. फिर राजा ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि राज्य में जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों को काट दिया जाए और उन पेड़ों से जितने बक्से बन सकते हैं उनको बनाया जाए. द वर्कमैन बैंड एंड हैमर्ड एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल एवरी ट्री इन द किंगडम हैड बीन टर्न इनटू बॉक्सेस. तो जो कारीगर थे, कामगार थे, वो उठे, उन्होंने कुल्हाड़ी ली और तब तक वो नहीं रुके जब तक कि पूरे राज्य के सभी पेड़ों को काटकर उनके बक्से न बना दिए गए हों. The boxes were placed one on top of another and the tower grew taller. फिर वो बक्सों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख कर सजाया जाने लगा और जो टावर था, जो मीनार थी, वो लंबी होती गई. हेयर देखिए ये जो किंग है, ये देखिए ये बॉक्सेस है, वुडन बॉक्सेस है, उसके ऊपर चढ़ गया है. चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है. The tower grew so high that people on the ground could not see the top. अब जो मीनार थी इतनी लंबी हो गई थी कि जो लोग थे वो ऊपरी सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स था उसको देख नहीं पा रहे थे. The king declared, तब राजा ने घोषणा की, I will climb the tower tonight and touch the moon. आज रात में मैं टावर पर चढ़ूंगा और चांद को छू लूंगा. People watched in wonder as the king climbed higher and higher. तो
रात हुई, सारे लोग इकट्ठे हो गए उस टावर के नीचे, लकड़ी वाले टावर के नीचे, और राजा उस पर चढ़ने लगा और लोग देखते रहे। ही हफ्ड एंड पफ्ड अंटिल एट लास्ट ही रीच्ड द टॉप ऑफ द टावर। जो राजा की सांसें थी, बेचारा एक बक्से पर, दूसरे बक्से पर, तीसरे बक्से पर, जैसे जैसे वो चढ़ते जा रहा था, हाँफते जा रहा था, लेकिन वो तब तक चढ़ते रहा जब तक वो सबसे ऊपरी मंजिल पर, सबसे ऊपर वाले बक्से पर ना पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स, ये था इस लेसन का सेकंड वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो जो किंग था, फूलिश किंग था, उसने वुडन टावर बनवाया, लकड़ी के बॉक्सेस से टावर बनवाया, और एक रात जब वो टावर कंप्लीट हो गया तो राजा उस टावर पर चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद क्या राजा ने मून को छुआ, टच किया या नहीं किया? किया तो फिर क्या उसका रिजल्ट मिला? अगर नहीं टच हुआ तो क्या उसका रिजल्ट हुआ, ये हम देखेंगे, सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पेज से रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, उसे आप सॉल्व कीजिए। इस पेज का पिक भी मैं सेंड कर रही हूँ, उसे पढ़िए और इस वीडियो को बार बार वॉच कीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।